हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. कैसे हो आप सब? मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी में, जो कि पार्ट है अनअकेडमी का. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 बजे बहुत कई बार हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आते हैं और कई बार हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं. तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का लाइव टेस्ट, और साइंस के लाइव टेस्ट में लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी चीजें. सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है. इसमें कहा गया है कि ड्यू टू विच द ब्लड हैज रेड कलर, किसके कारण से रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से, प्लाज्मा के कारण से, या WBC के कारण से, या फिर हीमोसाइनिन के कारण से? जल्दी से बताइए किसके कारण आपके जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है. और ये मेरा कोड है, जल्दी से बताइए. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून और वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से बताइए. यस सुशांत जी, वो एक्चुअली उसमें चली गई थी, ड्राफ्ट में चली गई थी, जिसकी वजह से वो मतलब मेरी तरफ से पब्लिश हो गई थी, अनअकैडमी की तरफ से पब्लिश नहीं हुई थी. ठीक है, तो आज है, टेंशन मत लो. ठीक है शुभम जी, हीमोग्लोबिन, और भी बच्चे हीमोग्लोबिन. ठीक है कुमारी जी, बिल्कुल बताइए. लेट्स स्टार्ट मैम. यस मिथिला, स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग. अभी बच्चा गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड इवनिंग है, क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके हैं. तो इसका जो आंसर है, गुड इवनिंग बता रहे हो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून. चलिए, हम आप में इतना खो जाते हैं कि कब दिन कब रात पता ही नहीं चलता. हीमोग्लोबिन, तो देखिए इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोडक्ट है, हीमोग्लोबिन एक प्रोडक्ट है, हीमोग्लोबिन एक तत्व है, और ये एक ऐसा तत्व है जो रुधिर को लाल रंग देता है. ठीक है, कहते मैम कैसे? देखो हीमो शब्द का मतलब होता है लाल. देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ इसको. हीमो शब्द का मतलब होता है लाल, हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमो शब्द का मतलब होता है लाल, रेड, और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोबिन प्रोटीन. ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन, तो ग्लोबिन नाम का लाल रंग का प्रोटीन होता है, और हीमो का मतलब होता है लाल, आयरन के तत्व, आयरन लोहे के तत्व. ठीक है, कहती बात समझ में आई? यस. नाउ अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि मैम ये हीमो साइनिन शब्द भी तो है. देखो साइनिन का मतलब होता है ब्लू, और ऑक्टोपस के, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के ब्लड का कलर जो होता है वो नीला होता है, जो आठ पैर वाला होता है ऑक्टोपस के ब्लड का कलर नीला होता है. प्लाज्मा और WBC रुधिर के हिस्से होते हैं, लेकिन लाल रंग के लिए नहीं होते. ठीक है, कहती बात समझ में आई? तो जैसे कि इसका आंसर हीमोग्लोबिन में, और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है. जो स्टूडेंट्स लेट हो गए वो इस एक्सप्लेनेशन को क्लास के बाद में PDF में पढ़ सकते हैं. चलिए अब अगला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? जल्दी से बताइए. इसका तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जो अपनी क्लासेस में मैं काफी बार करवा चुकी हूँ, और इस बार के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा. इतनी जी, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इसका कारण नहीं होता है. ठीक है, प्लाज्मा का रंग तो पीले रंग का होता है, प्लाज्मा हल्का सा येलोइश होता है. जल्दी से बताइए. जय श्री कृष्णा भाई. ओके कृष्णा जी, ठीक है. यस, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है. यस ब्लू. यस बच्चे हमेशा याद रखना, हीमो का मतलब होता है ब्लड. अब बताइए इसका आंसर. देखिए गैस्ट्रिक एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम. तो मैं आपको बता देती हूँ कि गैस्ट्रिक जो है वो एक ग्लैंड होती है, वो एक ग्रंथि होती है, जो कि आपके पेट में पाई जाती है, जो कि आपके स्टमक में पाई जाती है. किसमें पाई जाती है? स्टमक में, आपके अमाशय में पाई जाती है. पेट में ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसके अंदर जो एंजाइम बनते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम बनते हैं वो होते हैं आपके पेप्सिन, पेप्सी पी खाना पचा लिया, और रेनिन. पेप्सिन जो होता है वो खाने वाले प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो होता है दूध वाले को, और टाइलिन जो होता है वो माउथ में होता है एंजाइम, सलाइवा में. माउथ में कहा? सलाइवा, लार के अंदर होता है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन. सेशन को शेयर जरूर कर दो एक बार. ठीक है, कहती बात समझ में. तो इसका जो इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिक एक ग्रंथि है, एक एंजाइम नहीं है. तो गैस्ट्रिक एक ग्रंथि है, क्या नहीं है? एंजाइम नहीं है. तो ये देख सकते हैं आप कि
एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज जो होता है माउथ में होता है जो शुगर को कार्बोहाइड्रेट को खत्म करता है, पेप्सिन जो होता है स्टमक में होता है अमाशय में होता है, और ट्रिप्सिन जो होता है ट्रिप्सिन पेनक्रियाज में अग्नाशय में होता है, ये भी प्रोटीन को बचाने के लिए होता है जब पूरा पूर्ण डाइजेशन करना होता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज यानी हर एक एंजाइम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन से मेन चार एंजाइम होते हैं जो पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। यस बहुत बढ़िया मैम, मेरा सवाल हमें भेजे हैं आपको करवा दीजिएगा। हाँ अनिल जी आपका एक क्वेश्चन आया है टेलीग्राम चैनल पे, ऐसे ही किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकता है, ठीक है, और उसको मैं सॉल्व करती हूँ क्लासेस के अंदर अपनी अनअकैडमी की। ओके नवीन जी आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश बट इट इज अ बायलिंगुअल क्लास। शेयरिंग इज केयरिंग होता है बिल्कुल, जूस पाचक रस होता है बिल्कुल, जूस में फिर बाइल जूस आ जाएगा चंदन जी। विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट, ठीक है, फाइट या फ्लाइट कॉन्सेप्ट किस हार्मोन से संबंधित है, ठीक है, एड्रेनल इंसुलिन ऑक्सीजन या एस्ट्रोजन, ठीक है, जल्दी से बताइए फाइट या फ्लाइट जो होता है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस हार्मोन से संबंधित है, और आजकल के समय में हम लोग इसी हार्मोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस और ये जो दुविधाएं आ रही है, जो टेंशन आ रही है, जैसे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं एंड लोगों को परेशानियां भी आ रही है, लोगों को घरों में लड़ाई भी हो रही है, तो ये हार्मोन स्पेशली इसलिए होता है। तो फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है जल्दी बताइए। थैंक यू राधा सेठ जी, ठीक है जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो इसका आंसर है वो है एड्रेनलिन, ठीक है, इसका जो आंसर है एड्रेनलिन है। अब एड्रेनलिन क्यों है पहले ये तो ये बताऊंगी, ऑक्सीजन बच्चा ऑक्सीजन हार्मोन होता ही नहीं है, ऑक्सीजन हार्मोन होता ही नहीं है तो ऑक्सीजन आंसर नहीं होगा। इंसुलिन जो होता है वो आपके पेनक्रियाज के अंदर होता है, आपके अग्नाशय के अंदर होता है, एक अग्माशय होता है एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय ठीक है, एक होता है अग्नाशय के अंदर होता है। अब ये जो अग्नाशय के अंदर होता है ये शुगर को कंट्रोल करता है हमारे, अब इसका तो बहुत लंबा प्रोसेसर है, क्लास में फिर बताएंगे तो लेट हो जाएंगे। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल का सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल महिला का सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, तो जो इंग्लिश वाले जो हमारे साउथ के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा। बच्चे एड्रेनलिन हार्मोन जो होती है वो किडनी, किडनी हमारी वक्र पैदा करती है, हमारी किडनी पैदा करती है, ये हार्मोन किस लिए होता है बच्चा, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, और आजकल तो लॉकडाउन में घरों में लड़ाई हो रही है, जब हम लोगों को टेंशन होती है, जब हम लोगों को स्ट्रेस होता है तो एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है एड्रेनलिन प्रोड्यूस, वैसे तो ये हमारे दिमाग से प्रोड्यूस होता है लेकिन ये स्टोर हमारी किडनी में होता है, तो एक हार्मोन होता है जो फाइट करता है, एक हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो फाइट करता है, और इसीलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है मैम अभी मैं आपको बताती हूँ, इसीलिए बोला जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज योर रिस्क ऑफ एंग्जायटी डिप्रेशन हार्ट एंड डिसीज, तो इसको एड्रेनलिन हार्मोन को क्या किया जाता है क्रोनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो लाफ्टर है वो बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि जब हम हंसते हैं तो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा निकलता है, तभी तो बोला जाता है कि हास्य आसन कीजिए योगा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है, पेनक्रियाज लीवर स्टमक थायराइड अग्नाशय जिगर, जिगर भी बोल सकते हैं कई बार आप लोगों को, यकृत भी यहाँ पे मिलेगा जो शुद्ध हिंदी शब्द है, अमाशय या थायराइड ग्रंथि जल्दी बताइए। इसको फाइट हार्मोन इसलिए बोला जाता है मंगल जी क्योंकि स्ट्रेस से लड़ने के लिए होता है, और इसलिए भी बोला जाता है कि जैसे सपोज करो आपकी लड़ाई हो गई और आप किसी ने बोला तूने ऐसे कैसे बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, वो जो एक आप लड़ने के लिए उदारू होते हैं उस टाइम भी ये हार्मोन निकलता है। जल्दी बताइए। ओके रजनी जी सॉल्यूशन हिंदी में भी दिया करेंगे, जल्दी जी वीडियो को यार एक बार शेयर कर दो फटाफट। अच्छा आधे बच्चों का जो आंसर है, अब इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है मैं बताती हूँ क्या, आधे बच्चों का आंसर जो आ रहा है वो लीवर आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में ही दिया जाएगा, आधे बच्चों का आंसर यकृत आ रहा है और आधे बच्चों का आंसर थायराइड आ रहा है, इसके बाद जो स्टमक है और पेनक्रियाज है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती नहीं, अब टक्कर जो है यकृत और थायराइड में है तो जरा देखते हैं, तो इसका जो आंसर है वो लीवर है, इसका जो आंसर है वो क्या है लीवर है। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, ये 1.5 किलो का होता है, ये लगभग 1.4 किलो से 1.5 किलो का है, होता है सबसे ज्यादा हैवी है, सबसे ज्यादा भारी अंग होता है, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, ये आपका जो लीवर होता है सबसे भारी अंग होता है, सबसे बड़ा होता है।
अब अगर बोला जाए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में आप लोगों को ये नहीं बताया गया यहाँ पे कि ये एंडो बोल रहा है या एक्सो बोल रहा है, ठीक है। थायराइड जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। थायराइड जो होती है वो सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी लीवर होती है वो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दो तरह की ग्लैंड होती है, एक जो हार्मोन निकालती है, एक जूस निकालती है और एंजाइम निकालती है। ये बाही स्त्रावी ग्रंथि है, पहली बात तो ये सबसे बड़ी बाही स्त्रावी ग्रंथि है और ये वैसे भी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पहली बात तो ये बाही स्त्रावी ग्रंथि है और ये वैसे भी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहती बात समझ में आई, तो इसलिए आंसर होगा लीवर, ठीक है। तो आपसे अगर सबसे बड़ी पूछे बाही एक्सो तो आप बोलोगे लीवर, सबसे बड़ी एंडो पूछे तो आप बोलोगे थायराइड, अगर सिर्फ पूछे सबसे बड़ी तो आप बोलोगे लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इताई इताई इज कॉज बाय द क्रोनिक पॉइजन ऑफ, इताई इताई रोग क्रोनिक पॉइजनिंग के कारण होता है, तो ये किसकी वजह से होता है? मर्क्यूरी, कैडमियम, निकिल या लेड या सीसा, पारा, कैडमियम, निकिल या सीसा। ये इताई इताई जो इताई 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 जो रोग है वो किस वजह से होता है, जल्दी बताइए। बंटी जी बिल्कुल जल्दी से बताइए, वीडियो को शेयर करना ना भूले। सुमन बिल्कुल सही, आपने क्वेश्चन पूछा कि लीवर जो होते हैं वो ग्लैंड क्यों होती है, क्योंकि लीवर और पेनक्रिया, लीवर और अग्नाशय एक ऐसे अंग है जो ग्रंथि के रूप का काम करता है, यानी ये कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, इसलिए इनको ग्रंथि ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। आदित्य जी यू नथिंग एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने कम समय में भी आधे घंटे की क्लास में हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं तो सॉरी बच्चा, ये जो डिसीज होती है ये कैडमियम से होने वाली डिसीज है, ठीक है। अब ये कब हुई थी, ये 1950 में हुई थी, जापान में हुई थी। इसमें किसी भी इंसान को बोन पेन होता है, यानी हड्डी में दर्द होता है, ठीक है। और जापान में इसको आउच आउच बोलते हैं, वैसे तो इसको इताई इताई बोलते हैं, जापान में इसको आउच आउच बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैल्शियम लॉस होता है, यानी किसी भी इंसान के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, इसमें रेनल फेलियर होता है, एनीमिया हो जाता है, मसल्स में पेन होता है। ये क्यों होता है, ये रिवर में पॉल्यूशन होने की वजह से, फैक्ट्री में पॉल्यूशन होने की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राइट्स एक्यूमुलेट हाई लेवल ऑफ कैडमियम। कहने का मतलब है धान की खेती के अंदर अगर सबसे ज्यादा कैडमियम हो जाए, ठीक है, तो ये बीमारी होती है। तो इसमें ये देखिए, ये बच्चा जो है किस तरह से है, इसका बिल्कुल पीठ मुड़ गया है, इसकी शरीर मुड़ गया है, हड्डियों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है और पैरों में दर्द होता है, एनीमिया भी हो जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने कैडमियम दिया है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एन इंक्रीज नंबर ऑफ, ल्यूकेमिया एक कैंसर है और मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह का कैंसर होता है, तो ये किसके ज्यादा हो जाने के कारण से होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिंबाणु, प्लेटलेट्स या बोन सेल या हड्डियों की कोशिकाएं, इसको बिंबाणु भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को, जल्दी से बताइए। वैसे ज्यादातर जो एयर पॉल्यूशन, यानी जो रिवर नदी से ज्यादातर जो बीमारी हुई है आपने देखा होगा जापान से ही हुई है, एक आधी बीमारी मैंने पहले भी बताई है आपको, बिल्कुल उबरानी जी बिल्कुल सही, हाँ जी, ओके ओके ओके। तो आंसर आ रहा है आरबीसी भी आ रहा है, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है डब्ल्यूबीसी, इसका जो राइट आंसर है सफेद कोशिका। देखिए पहली बात तो हमारे शरीर में सफेद कोशिका जो होती है वो 8 से लेके हमारे शरीर में 10,000 होती है, ठीक है, 8 से लेके 10,000 होती है, 8 से लेके मतलब 8 to 10,000 होती है हमारे शरीर में, हमारे हर एक 100 ml हीमोग्लोबिन पे, आपके हर 100 ml हीमोग्लोबिन पे 8 से लेके 10,000 होती है। लेकिन अगर आपकी WBC बढ़ जाए, यानी किसी भी इंसान की जो WBC है वो बढ़ जाती है, उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, उसको क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। और उसी ब्लड कैंसर का नाम जो दिया गया है वो ल्यूकेमिया दिया गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ल्यूकेमिया किसे कहते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मैंने बता दिया है ये इस तरह की WBCs होती है, 5 तरह की WBCs होती है और अगर बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया जैसी बीमारी होती है। हाल ही में हमारे मेरे को देखो रियली में ध्यान नहीं रहता, शायद ऋषि कपूर, यस ऋषि कपूर जी को ब्लड कैंसर था शायद, तो वो उससे ग्रस्त थे, ऋषि कपूर और इमरान खान दोनों को कैंसर था पर अलग अलग तरह का था। मैच लिस्ट इन विच, ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है, मैच सूची पहली सूची के साथ, मतलब पहली सूची के साथ दूसरी सूची को मैच करो। प्लेग्यू जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोवा से होती है क्या, एड्स फंगस से होता है क्या, एड्स कवक से होता है क्या, ब्लाइंडनेस गंजापन जो होता है वो वायरस से होता है क्या, मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है क्या, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए, ठीक है? तो इसको आगे बढ़ जाती हूँ, तो इसको आगे बढ़ के मैं बताती हूँ क्या, इसको आगे बढ़ के बताती हूँ। क्वेश्चन बहुत लंबा था तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चले हैं। प्लेग्यू जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एड्स जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, ब्लाइंडनेस यानी गंजापन जो है वो फंगस से होने वाली बीमारी है, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी है। आपको मैच करना था, आंसर नहीं देना था। चलिए, कहती बात समझ में आई? प्लेग्यू बैक्टीरिया, एड्स आपको पता है वायरस से होता है, गंजापन फंगस से होता है, और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोवा से होता है। और ये एक चीज और बताती है, पौधों में ज्यादातर बीमारी जो होती है फंगस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू वेटिकल्चर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेटिकल्चर के माध्यम से निर्मित होता है? जल्दी बताइए, सेब, ग्रेप्स, अंगूर, रेशम या कैच हुआ। ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है और ये साइंस का भी बनता है, चाहे साइंस ले लो या ज्योग्राफी ले लो, ये दोनों के क्वेश्चन में आता है कि वेटिकल्चर जो होता है वो किससे निर्मित, किससे पैदा होता है। वीडियो को शेयर करना ना भूले, ठीक है? तो चंदन जी मैच करना था, यस अच्छा है, ठीक है मैम। सुमनी भोपाल खत्म हुए है, सोले मूवी, गोस्वामी जी बिल्कुल सही, 2341 बिल्कुल सही मैच किया है मैम। कार्टन बैच समझ में नहीं आया, कतई बात समझ में नहीं आई। क्या कहते हैं, वर्टिकल्चर एक तरह की खेती होती है, तो किससे की जाती है? रेशम की खेती होती है बच्चा, रेशम की खेती होती है, नहीं वो सेरीकल्चर होता है। रेशम की खेती जो होती है सेरीकल्चर होता है बच्चा, इससे जो खेती होती है वो होती है सेरीकल्चर, ठीक है? अंगूर की खेती होती है, वेटिकल्चर जो होती है वो अंगूर की खेती होती है। वेटिकल्चर एक कल्टीवेशन होता है, एक हार्वेस्टिंग होती है, एक तरह की खेती होती है, किसकी? ग्रेप्स की। ये ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो ये किसकी होती है? ग्रेप्स की, ठीक है, अंगूर की। सिल्क की जो होती है वो सेरीकल्चर होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, यू लुक लाइक भूमिगर्ग। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज, आधुनिक मानव का निम्नतम पूर्वज क्या है? जावा मैन, पेकिंग मैन, क्रो मगन मनुष्य, क्रो मगन मैन, या नियलैंड रथल आदमी, या नियन रंथल मैन। जल्दी बताइए, देखिए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। आशा, अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है ना, तो आप फिर मेरे सुबह वाईफाई एसएससी वाले एग्जाम में आओ, क्योंकि कुछ बच्चों को शिकायत रहती है कि मैम आप थ्योरी नहीं पढ़ाते, तो वाईफाई एसएससी एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट चलते हैं हमारे, तो आप आना ना भूले। इसके लिए आप साइंस में प्रिया मैम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है मैम। ग्रेप्स वाइन की क्या होती है? हाँ, ग्रेप से वाइन बनती है, काले अंगूरों से बनती है रेड वाइन, जो हार्ट के लिए सबसे अच्छे होते हैं। जल्दी बताइए, मतलब हम लोगों के जो आधुनिक मानव है उनके जो पूर्वज थे वो कौन थे? देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो थे क्रो मैंगन मैन। कौन थे? क्रो मैंगन मैन। तो क्रो मैंगन मैन पॉपुलेशन है अर्ली होमो स्पेन्स की, डेटिंग फ्रॉम द अपर पीरियड। कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारे जो पूर्वज थे वो क्रो मैंगो मैन थे, और अगर हमें पता लगाना है कि ये कितनी पुरानी है, तो ये 40,000 से लेकर 10,000 साल पुरानी बात है यूरोप की, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हमें पता लगाना होता है कि कंकाल कितना पुराना है, तो हम कार्बन डेटिंग करके पता लगा देते हैं, तो वही स्पेन डेटिंग का मतलब, वही कार्बन डेटिंग से ये पता लगाया गया है कि इतना पुराना जो है वो हमारा पॉपुलेशन है, जो कहां पे देखा गया था? यूरोप में। चलिए, इलेक्ट्रिकल मोटर एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मोटर ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा को कैसे बदलती है? मोटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को कैसे बदलती है? जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी, तो वो उसे किस तरह की एनर्जी माना जाएगा? इलेक्ट्रिक माना जाएगा, केमिकल माना जाएगा, ध्वनि माना जाएगा, या मैकेनिकल माना जाएगा? हाँ श्वेता गौर जी, आप ग्रेप्स खा सकते हो, आप फ्रूट खा सकते हो, मैं थोड़ा ना कह रही हूँ कि वाइन पियो। सीडीएस की क्लास का, सीडीएस मैं नहीं पढ़ाती हूँ, मतलब कहने का मतलब सीडीएस वाले चैनल पे नहीं पढ़ाती हूँ। वैसे आप वाईफाई एसएससी पे जाके मेरी क्लासेस ले सकते हैं, एंड आई क्लियर द सीडीएस एग्जाम एट द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द एसएसबी आल्सो, ठीक है। ठीक है, जल्दी बताइए, ए ए ए, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। पहली बात तो ये केमिकल एनर्जी नहीं होगी, रासायनिक नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक बात है ही नहीं,
और इसमें कोई ध्वनि वाली बात है नहीं, या तो मोटर चल रहा है और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक मोटर जैसे पंखा हो गया आपका, पानी वाला मोटर हो गया, तो वो कैसे चलता है? तो सीधी सी बात है, जो मोटर है जब तक इलेक्ट्रिसिटी भाई, जब तक बिजली पैदा नहीं होगी वो कैसे चलेगा रे? जब बिजली पैदा हो जाएगी तभी तो चलेगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर यानी लाइट आएगी, करंट आएगा, तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सपोज करो ये आपको, ये यहाँ पे देखो, ये ऊपर ये एरो देखो, ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी किसी बैटरी के द्वारा एनर्जी है, तो वो मोटर जो है वो चल रहा है, वो मोटर जो है वो चल रहा है। कितनी बात समझ में आई? क्लियर है? ओके अमरजीत, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट? ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल जो फाइबर है, फाइबर ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर ठीक है, किस प्रमुख प्रकाश पर काम करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए मिश्रा जी, हमारे समय में यार इतना रेलवे का फॉर्म नहीं निकलता था, तो आई क्लियर SSC एट द फर्स्ट टाइम, CPO एंड CDS, और सबसे पहले मैंने बैंक PO क्लियर किया था, जिसमें मेरी पोस्टिंग जो थी वो बेंगलुरु थी, और CDS की मेरी पोस्टिंग चेन्नई आई थी OTA में। नमस्कार 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 नमस्कार, और हाल ही में मेरी डॉक्टरेट भी पूरी होने वाली है। यस, PDF मिलेगा साइंस में प्रिया मैम पे, सुबह वाला PDF भेजना है मुझे। यस, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका जो सही आंसर है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको TIR बोलते हैं, और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ये संचारण के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए, संचारण के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज ऑप्टिकल फाइबर होती है। इसमें क्या होती है, कोई लाइट आने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती और वो फिर बाहर निकलती है। इसमें हमारा आपतित कोण, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, वो ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से। तो इसके लिए यार आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जैसे ऐसे लाइट होती है, ये जाती है, ये देखिए, ये ऐसे लाइट जो होके जाती है, ठीक है, तो लाइट जो होती है वो ग्लास से बाहर निकलनी चाहिए लेकिन बाहर नहीं निकलती है, और इसको लाइट के सिग्नल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर के जो तार होते हैं वो पानी के नीचे भी डाले जाते हैं, ठीक है। चलिए, स्टूडेंट कम कैसे हो रहे हैं? उसका एक कारण है कि एंथुजियाज हो चुके हैं कि पेपर होगा, पेपर होगा होगा होगा, जरूर होगा, तैयारी चालू रखो। व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर टू बी शैलो व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप? ऊपर से देखने पर पानी की टंकी उथली क्यों प्रतीत होती है, ठीक है, उथली हुई क्यों प्रतीत होती है? जैसे आपने कभी देखा होगा ना, मम्मी बोलती हो कि भाई पानी की टंकी देख के आई हो, भरी है कि नहीं भरी है? आजकल तो खैर मोटर की टंकी भर गई, अलार्म बजता है, लेकिन कई बार हम लोग चेक करने के लिए जानते हैं, तो उथली हुई सी क्यों लगती है, श्वेलो क्यों लगती है, ऐसे हिली हुई सी, अजीब सी, जल्दी से बताइए। रोहित जी, मैंने बैंक PO SBI SCS बैंक PO ज्वाइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे ऑफिसर वाली जॉब, वर्दी वाली जॉब ज्यादा पसंद थी, बिकॉज माई हाइट एंड हेल्थ इज सो गुड लाइक अ ऑफिसर, तो डेट्स वाई आई रिजेक्ट बैंक PO। मेरा वो फर्स्ट टाइम में सबसे पहला जो मेरा एग्जाम क्लियर होता वो वही था, ठीक है। नहीं यार, अभी पढ़ाने के अलावा गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती, वो मैंने छोड़ दी है, ठीक है। कुमारी जी, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, SK जी, लड़के अपनी उम्र और सैलरी दोनों नहीं बताती है। यस, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, बट रिफ्रैक्शन को एक झूठ बोला जाता है। इंसान के अलावा भी एक और चीज है जो झूठ बोलती है, और वो है अपवर्तन। अपवर्तन एक झूठ है जिसमें या तो ये लगेगा, जैसे नदी देखते हो उसमें ऐसा लगेगा कि पानी कम है, या ऐसा लगेगा जो टैंक है वो स्वेलो है, यानी थोड़ा सा सैडो सी दे रहा है, ऐसा लगता है हम लोगों को, तो एक झूठ है, ठीक है। पिंकी जी, मैंने जॉब नहीं छोड़ी, मैंने अपना कंप्लीट किया टेन्योर और फिर आई जस्ट स्टार्ट टीचिंग, ठीक है। अब मैं पढ़ाने के अलावा कोई जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं है, ठीक है। इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर देन इट पास स्लो डाउन दस बेंड। इसको अगर मैं बिल्कुल छोटा सा कर दूं तो मैं ये बोलती हूँ कि लाइट जो होती है वो कभी भी है ना सीधी नहीं जाती, वो टेढ़ी जाती है। तो जब वो टेढ़ी जाती है तो क्या होता है, वो ऐसे करके मुड़ जाती है, आगे की तरफ झुक जाती है। तो अभी एक्चुअली मैंने छोड़ के थोड़ा सा मास्टर्स और फिर मास्टर्स के साथ में मैंने PhD की,
एंड पीएचडी अभी मेरी चल रही है, डेट्स व्हाई मेरी पीएचडी चल रही है, मैंने इसलिए ऑफिसर का जॉब छोड़ा है, मेरे रिसर्च प्रोग्राम चलते रहते हैं एंड सम रिसर्च प्रोग्राम चलते रहते हैं फॉरेन वगैरह के। ठीक है चलिए अब आगे, तो इसीलिए कोई भी चीज जो होती है वो अपनी सही जगह पे नहीं दिखाई देती। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, विच कलर इज फाउंड व्हेन रेड एंड ग्रीन इज मिक्स, जब लाल और हरा रंग मिलाया जाता है। तो मेरा जो डॉक्टरेट है वो क्वांटम, जो डॉक्टरेट जो मेरी रिसर्च चल रही है वो क्वांटम फिजिक्स में चल रही है। रेड और ग्रीन जो होता है उनको मिलाने के बाद कौन सा रंग मिलता है, नीला मिलता है, सफेद मिलता है, पीला मिलता है या बैंगनी पर्पल मिलता है, जल्दी से बताइए। यानी जब आप लाल रंग को, ठीक है लाल रंग को जरा देख के देखते हैं यहाँ पे, अभी ये जो लाल रंग है इसको किसके साथ मिला दोगे आप, नीले रंग के साथ मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके साथ जब मिला दोगे तो आपको क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए। तारे भी संजय जी इसी के कारण टिमटिमाते, बल्कि तारे टिमटिमाते नहीं है तो ये भी एक झूठ है। पीडीएफ मिलेगी प्रदीप जी साइंस बाय प्रिया मैम पे, साइंस बाय प्रिया मैम मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है पीला। तो आपको कौन सा कलर मिलता है जब आप रेड और ग्रीन को मिलाते हो, ये देखिए ये मिलता है आपको, क्या मिलता है, पीला। जब लाल और नीले को मिलाते हो, अच्छा रेड और ग्रीन ही पूछा था ना, मैंने ब्लू मिक्स कर दिया, अरे मैंने ब्लू मिक्स कर दिया, देखो इतना दिमाग खराब हो जाता है। इसका आंसर है पीला, इसका आंसर है पीला। और आपको बताते हैं कि जब रेड और ग्रीन मिलता है तो पीला मिलता है, रेड और ब्लू मिलता है तो बैंगनी होता है, ठीक है, और बाकी व्हाइट, जब तीनों कलर मिला दोगे तो सफेद मिलेगा। आर प्लस बी प्लस जी जो होगा वो सफेद होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों के पास में कहते हैं, मैम आप लोगों के पास में मतलब एक बार और थोड़ा सा आरबीजी प्राइमरी कलर, मिश्रा जी बिल्कुल सही बात बोली, प्राथमिक रंग है ये। मैम ग्रीन दिया नहीं है, नीला, हाँ वो एक्चुअली मैंने ब्लू कलर से कर दिया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक चैनल फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है साइंस बाय प्रिया मैम, ठीक है, साइंस बाय प्रिया मैम। और मेरे नाम के बहुत सारे फेक चैनल्स भी है ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें आपको समस्या हो सकती है देखने में, तो आप मेरे इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने दिया है साइंस बाय प्रिया मैम का, ठीक है, या फिर आप एट द रेट साइंस बाय प्रिया मैम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइंस स्पेशल, ठीक है, साइंस स्पेशल डाल दीजिए, साइंस स्पेशल डाल दीजिए आप, या फिर साइंस बाय प्रिया मैम, तो आपको मेरा ही चैनल मिल जाएगा। चलिए सभी को मेरा नमस्कार, बहुत सारा प्यार और राम राम। पीडीएफ ले लीजिएगा क्योंकि अब जो मैं शब्द बोलने वाली हूँ उसके बाद में मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।